दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जो है 126/2022 के अंदर एफ आई आर का इसका प्रोडक्शन का जो है वहाँ से इनका पीसी रिमांड खत्म होने के बाद इसको प्रोड्यूस किया था। तो पंजाब पुलिस की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है कोर्ट में मूव की गई है, जिसके अंदर में जो एडवोकेट जनरल साहब खुद अपेयर हुए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पे इनको अरेस्टिंग करना है बिश्नोई को, और हमें यहाँ से इनका ट्रांसिट रिमांड चाहिए। इस बात की इन्होंने पिटीशन लगाई है जिसको हमने स्ट्रॉन्गली अपोज किया, और उन्होंने बताया कि पहले ही इसका नाम नॉमिनेट नहीं था। जो हमने लेटेस्ट में अरेस्टिंग की है इस केस के अंदर में, वहाँ के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इन्वेस्टिगेशन में निकल गया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वही मेन मास्टर माइंड है इस केस के पीछे, और उसी ने सब कुछ किया। हमने इसको स्ट्रॉन्गली अपोज किया, और इस एप्लीकेशन के अंदर ऊपर कम से कम एक घंटा बैच चली है, एडवोकेट जनरल साहब उनकी पूरी टीम आई थी। मैंने स्ट्रॉन्गली अपोज करते हुए बताया है कि किस तरह से हमें अपीलेशन है कि इनका फेक अकाउंट हो सकता है और इनकी जान को खतरा है। तो एडवोकेट जनरल साहब ने बोला कि आपकी इस एप्लीकेशन को हम दूर कर सकते हैं जनाब। जैसा आपके सामने उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी 2 बुलेटिन गाड़ियां लेके आए हैं, 20 ऊपर गाड़ियां रहेंगी, 50 ऊपर ऑफिसर हमारे पास है, और पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 50 ऑफिसर की लिस्ट दी जाएगी, गाड़ियों के नंबर तक दिए जाएंगे, कहीं से कहीं तक सेफ्टी को मेजर्स को पूरे को भी फॉलो किया जाएगा, कोई भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है, लेकिन हमने उनको बोला है कि हमें फिजिकली हैंड ओवर ना किया जाए, ट्रांसमिशन माना भी इनको ना दिया जाए, ऑर्डर रिजर्व है, अब ये घंटे बाद ऑर्डर आएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जो है 126/2022 के अंदर एफ आई आर का इसका प्रोडक्शन का जो है वहाँ से इनका पीसी रिमांड खत्म होने के बाद इसको प्रोड्यूस किया था। तो पंजाब पुलिस की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है कोर्ट में मूव की गई है, जिसके अंदर में जो एडवोकेट जनरल साहब खुद अपेयर हुए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पे इनको अरेस्टिंग करना है बिश्नोई को, और हमें यहाँ से इनका ट्रांसिट रिमांड चाहिए। इस बात की इन्होंने पिटीशन लगाई है जिसको हमने स्ट्रॉन्गली अपोज किया, और उन्होंने बताया कि पहले ही इसका नाम नॉमिनेट नहीं था। जो हमने लेटेस्ट में अरेस्टिंग की है इस केस के अंदर में, वहाँ के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इन्वेस्टिगेशन में निकल गया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वही मेन मास्टरमाइंड है इस केस के पीछे, और उसी ने सब कुछ किया। हमने इसको स्ट्रॉन्गली अपोज किया, और इस एप्लीकेशन के अंदर ऊपर कम से कम एक घंटा बैच चली है, एडवोकेट जनरल साहब उनकी पूरी टीम आई थी। मैंने स्ट्रॉन्गली अपोज करते हुए बताया है कि किस तरह से हमें अपीलेशन है कि इनका फेक अकाउंट हो सकता है और इनकी जान को खतरा है। तो एडवोकेट जनरल साहब ने बोला कि आपकी इस एप्लीकेशन को हम दूर कर सकते हैं जनाब। जैसा आपके सामने उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी 2 बुलेटिन गाड़ियां लेके आए हैं, 20 ऊपर गाड़ियां रहेंगी, 50 ऊपर ऑफिसर हमारे पास है, और पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 50 ऑफिसर की लिस्ट दी जाएगी, गाड़ियों के नंबर तक दिए जाएंगे, कहीं से कहीं तक सेफ्टी को मेजर्स को पूरे को भी फॉलो किया जाएगा, कोई भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है, लेकिन हमने उनको बोला है कि हमें फिजिकली हैंड ओवर ना किया जाए, ट्रांसमिशन माना भी इनको ना दिया जाए, ऑर्डर रिजर्व है, अब ये घंटे बाद ऑर्डर आएगा।